प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो टूक जवाब देते हुए विजय मानकर ने कहा है कि आप कपड़ों के आधार पर कैसे पहचान कर लेते हैं, यह तो मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन आप आरएसएस का झोला उठाकर संसद भवन तक पहुंचे हैं, यह सबको मालूम है। उन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मोदी पर करारा प्रहार किया। विजय मानकर ने कहा है कि सीएए में मुस्लिमों, नास्तिकों और ज्यूस लोगों को शामिल नहीं किया जाना दर्शाता है कि आप धर्म के आधार पर देश में कानून बना रहे हैं, इसलिए लोग इसको भली भांति समझने के बाद पैमाने पर सड़कों पर उतर रहे हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने हाल ही में नागरिकता कानून को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन पर कहा था कि आग लगाने वालों का कपड़े देखकर पता चल जाता है कि ये कौन लोग हैं। इसी को लेकर विजय मानकर ने मोदी को जवाब देते हुए सीएए पर अपने विचार रखे और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। एनआरसी का काफी मुद्दा छाया हुआ है, सवाल भी उसी तरीके से हमारे पास काफी आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने एक रैली में कहा था कि हम धर्म के आधार पर किसी को छोड़ना नहीं चाहते या कहीं देखना देखते नहीं हैं, और बाद में तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो उसमें कुछ जो थोड़ा तोड़फोड़ हुआ तो उसमें कहा कि ये जो लोग हैं इस तरह से प्रदर्शन करने वाले, आगजाई करने वाले लोग, इनको कपड़ों से पहचान होती है। तो ये क्या स्टेटमेंट लोगों को विभाजन करने वाला नहीं है धर्म के आधार पर, कोई आइडेंटिफिकेशन की तरफ नहीं? कपड़ों से पहचान तो मोदी जी की हुई है, क्योंकि महंगे महंगे कपड़े पहनना और हर दिन में दो दो तीन तीन कपड़े चेंज करना, वो तो आपकी पहचान हो गई कि आप जो है वो किस तरह का जो है आप फैशन में और आप मीडिया सेवी हैं, तो ये आपकी पहचान तो आपने अच्छे से कराई, लेकिन कपड़ों से कैसे पहचान होती मुझे नहीं समझ में आता। प्रकृति में तो इंसान को जो है नेचर ने सबको बराबर पैदा किया है मोदी जी, आप जैसे बने हुए वैसे हर कोई इंसान बना हुआ है, तो कपड़ों से कैसे पहचान होती है? कपड़ों से यदि पहचान होती है ऐसा आपका कहना है, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं शायद कि देश में जो एक रिलीजियस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग जो अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं ड्रेसेस में, उससे जो है वो लोगों को डिफरेंशिएट किया जाए। और आप जो कहते हैं धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, तो फिर मुस्लिम्स को सीए से क्यों एक्सक्लूड किया आप ये बताइए, आप ज्यूस को क्यों एक्सक्लूड किया ये बताइए, आप एथिस्ट लोगों को क्यों एक्सक्लूड किया? एथिस्ट लोगों का तो कोई रिलीजन को वो नहीं मानते हैं, वो गॉड को नहीं मानते, उनको क्यों आपने एक्सक्लूड किया? तो आपने प्रेफरेंस नहीं दिया क्या जो ट्रेडिशनल रिलीजन्स है इंडिया के, उनको प्रेफरेंस नहीं दिया क्या? आपको डिस्क्रिमिनेशन और प्रेफरेंस ह्यूमन राइट्स के जो लॉज है उसके अंदर में डेफिनेशन में क्लियरली दिया गया है कि आप किसी को एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते और किसी को प्रेफरेंस भी नहीं दे सकते। आपका सीए का लॉ मुस्लिम्स को, ज्यूस को और अथिस्ट लोगों को एक्सक्लूड भी करता है और बाकी रिलीजन के लोगों को जो है वो प्रेफरेंस भी देता है। तो आपका ये कह लेना, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी आपकी पढ़ाई तो बहुत कम है, तो आपकी पढ़ाई के विषय में तो सीरियस सवाल उठाने का कोई अभी सवाल नहीं, क्योंकि वो प्रूव हो चुका है कि आपको पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, बस आप भाषणबाजी करते हुए और आरएसएस में झोला उठा के आप यहाँ तक आए हुए हैं। तो कम से कम ऐसा वक्तव्य आप ना करें और देश के लोगों को जो है वो ना समझ ना समझे, देश के लोग पढ़े लिखे हुए और वो जानते हैं कि सीए जो है उस पे आपने धर्म के आधार पे एक्सक्लूड किया है मुस्लिम्स को, ज्यूस को और अथिस्ट लोगों को, बाकी रिलीजन के लोगों को आपने प्रेफरेंस दिया है। और जो कपड़े वाली बात आपने कही है वो क्लियरली इंडिकेट करती है कि जो अलग अलग धर्म के लोग अपने अलग अलग पहनावे करते हैं उसके आधार पे आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो, ये आपकी मानसिकता है, ये आपने उसका जो है वो इंडिकेशन दिया है।